समाज के प्रति आपके कुछ कर्तव्य हैं, दायित्व हैं। समाज के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों से आप छुटकारा पा नहीं सकिएगा। समाज की उपेक्षा करते रहेंगे तो फिर आप विश्वास रखिए समाज आप ही उपेक्षा करेगा और आपका कोई वजन नहीं मिलेगा, आप सम्मान नहीं पा सकेंगे और सहयोग नहीं पा सकेंगे। उपेक्षा करते रहिए, अपने आप में सीमाबद्ध हो जाइए, इक्कड़ हो जाइए, अकेले रहिए, खुद ही खाइए, खुद ही मजा उड़ाइए, फिर आप ये और भूल जाइए कि हमको समाज में सहयोग नहीं मिल सकेगा और न सम्मान मिल सकेगा। सम्मान और सहयोग भी मनुष्य की जीवात्मा की भूख और प्यास, अगर आप उसको खरीदना ही चाहते हो तो कृपा करके ये विश्वास कीजिए कि समाज के प्रति जो आपके दायित्व हैं और जो कर्तव्य हैं वो आपको निभाने चाहिए। आप उन कर्तव्यों और दायित्वों को निभा लेंगे तो बदले में सम्मान और सहयोग खरीद लेंगे, जिससे आपकी खुशी और आपकी प्रसन्नता और आपकी प्रगति में चार चांद लग जाएंगे। दो काम हुए ना, आत्मा को अपने आप का निर्माण कर लेना, अपने परिवार का निर्माण कर लेना, दो तो अपने समाज को प्रगतिशील बनाने के लिए, उन्नतशील बनाने के लिए कुछ न कुछ योगदान देना। तीन काम अगर आप कर पाएँ तो आप समझना चाहिए कि आपने आत्मा की भूख को बुझाने के लिए और आत्मिक जीवन को समुन्नत बनाने के लिए कुछ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। अन्यथा ठीक है, आप शरीर के लिए तो मरे ही हैं, शरीर के लिए तो जिए ही हैं, शरीर ही तो आपका इष्ट देव है, इंद्रियों के सुखी तो आपकी आकांक्षाएँ, वासना और तृणा ही तो आपको सबसे प्यारे मालूम पड़ते हैं, इन्हीं में तो आपका जीवन खर्च हो गया और किस काम में खर्च हुआ। अब कृपा कीजिए, सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांतों का परिपालन कीजिए। सादगी 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 किफायशाही मितव्यता, अगर आपने ये अपना सिद्धांत बना लिया हो तो आप विश्वास रखिए आपका बहुत कुछ काम हो जाएगा, बहुत समय बच जाएगा आपके पास, और उन तीनों कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आप विचार भी निकाल सकेंगे, श्रम भी निकाल सकेंगे, पसीना भी निकाल सकेंगे, पैसा भी निकाल सकेंगे। और अगर आपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को जमीन आसमान की तरीके से ऊंचा उठा करके रखा हुआ फिर आपको स्वयं का ही पूरा नहीं पड़ेगा, इसके लिए आपको अपनी कमाई से गुजारा नहीं हो सकता आपका, फिर आपको बेईमानी करनी पड़ेगी, रिश्वत लेनी ही चाहिए, फिर कम तोलना ही चाहिए, फिर और दूसरों के साथ में दगाबाजी करनी चाहिए, फिर आपको कर्ज लेना ही चाहिए, और जो भी आप बुरे से बुरे कृत्य कर सकते हैं वो करने चाहिए। और आप अपनी हविष को कम नहीं कर सकते और अपनी भौतिक खर्च की महत्वाकांक्षा को और बड़प्पन की महत्वाकांक्षा को काबू में नहीं कर सकते, फिर आत्मा की बात कहाँ चलती है, आत्मा की उन्नति की बात सवाल कहाँ होता है। आत्मा को भी मान्यता दीजिए, शरीर ही सब कुछ नहीं है, शरीर की आकांक्षा ही सब कुछ नहीं है, इंद्रियां ही सब कुछ नहीं है, मन की ही लिप्सा और लालसा ही कुछ नहीं है, कहीं आत्मा भी आपके भीतर है। और आत्मा अगर आपके भीतर है तो आप ये भी विश्वास रखिए कि उसकी कुछ भूख और प्यास है। आत्मा के अनुदान भी असीम और असंख्य हैं, लेकिन उनकी भूख और प्यास भी हैं। पौधों के द्वारा, पेड़ों के द्वारा हरियाली भी मिलती है, छाया भी मिलती है, फल फूल भी मिलते हैं, प्राणवायु भी मिलती है, पर उनकी ज़रूरत भी तो है ना, आप जरूरत को क्यों भूल जाते हैं। खाद की ज़रूरत नहीं है, पानी की ज़रूरत नहीं है उनकी, रखवाली की ज़रूरत नहीं है उनकी। अब रखवाली न करेंगे, खान पानी नहीं देंगे तो पेड़ों से पौधों से क्या आशा करेंगे। इसी तरीके से जीवात्मा का पेड़ और वृक्ष है, पर अपनी खुराक मांगता है, खुराक क्यों मांगता है, मैंने निवेदन किया ना आपसे, व्यक्ति निर्माण और परिवार निर्माण और समाज निर्माण के लिए आपकी गतिविधियाँ चलनी चाहिए और आपके प्रयत्नों को अग्रगामी होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित पौराणिक नगर गुवाहाटी, जिसे प्राग ज्योतिषपुर भी कहा जाता है, क्योंकि पुराणों में वृतांत आता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में नव ग्रहों की रचना यहीं पर की थी। यहीं भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था और रति की आराधना से प्रसन्न होकर उसे पुनः रूप प्रदान किया था, इसीलिए इसे भस्मास्थल और कामरूप भी कहा जाता है। यहाँ 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या शक्तिपीठ भी स्थित है। ऐसी सांस्कृतिक भूमि पर पूर्वोत्तर के समृद्धिकरण हेतु 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ, जो उत्तर पूर्व के सातों राज्यों, जिन्हें सेवन सिस्टर स्टेट्स भी कहा जाता है, उन सभी का प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत है कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण। আছে সমস্ত বিশ্বত কল্যাণ যজ্ঞ, শীঘ্রে প্রসন্ন হয় ভগবান যজ্ঞ,
আছে সমস্ত বিশ্বত কল্যাণ যজ্ঞ শীঘ্রে প্রসন্ন হয় ভগবান যজ্ঞ सभी साधक बाएं हाथ में जल लें, दाएं हाथ से ढकें, भावना करें कि दिव्य सत्ता पवित्रता की वर्षा कर रही है। कुंड में अग्निदेव का आवाहन करें। दुःख क्षय कारणं च पुनः
नहि धियो यो न गुवाहाटी नगर के गणमान्य नागरिकों, देवी स्वरूप बहनों, देवतुल्य भाई, ये मिशन जिसे गायत्री परिवार कहते हैं, एक ऐसे ज्योति पुरुष के माध्यम से स्थापित हुआ है जिन्होंने अपने जीवन में उन सब चीजों को जिया जिन चीजों को हमारे ऋषिगणों ने लिखा था। परम पूज्य गुरुदेव का जन्म 1911 में हुआ आगरा जिले के अमलखेड़ा गांव में, और वहां से जन्म लेकर के उन्होंने अपने गुरु के माध्यम से अपने यज्ञोपवीत देने वाले गुरु महामना मदन मोहन मालवीय जी के माध्यम से जाना गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु, अर्थात ब्राह्मण जाति के व्यक्ति की नहीं, गायत्री हर उस व्यक्ति की कामधेनु है जो कि ब्राह्मणत्व को जीवन में धारण कर ले। जिसके जीवन में ब्राह्मणत्व आ जाए वह व्यक्ति गायत्री को मनवांछित फल देने वाली बना सकता है। 12 साल की उम्र में इस रहस्य को उन्होंने जाना, और इस रहस्य को जानने के पश्चात 15 साल की उम्र में उनके सूक्ष्म सत्ताधारी हिमालयवासी गुरु सर्वेश्वरानंद जी से उनका साक्षात्कार हुआ, जो उनकी उपासना कक्ष में पधारे और उन्होंने उनको बताया कि कितना बड़ा कार्य उनको करना है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उन्होंने काम किया, उन्होंने 24-24 लक्ष्य के 24 महापुरुषरण गायत्री के किए, जिसमें 8000 बार गायत्री मंत्र प्रतिदिन जपना पड़ता है, नियम का भंग एक दिन भी नहीं कर सकते, और जो छूट दी गई थी, जो रियायत दी गई थी गुरु सत्ता के द्वारा, वो केवल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाते कार्य करने के लिए दी गई थी, और उसके साथ साथ एक पत्रिका शुभारंभ करने को कहा गया, ज्ञान का संदेश देने वाली अखंड ज्योति पत्रिका। ये तीनों कार्य हमारे गुरुदेव ने आरंभ किए, और 1926 की 18 जनवरी वसंत पंचमी से इस मिशन का शुभारंभ हम मानते हैं, क्योंकि उस दिन गुरु सत्ता ने अपने गुरु के दर्शन किए थे, और एक व्यक्ति से चालू हुआ ये प्रचंड प्रताप वाला मिशन आज बढ़ते बढ़ते 7 करोड़ व्यक्तियों में फैल चुका है। इस गायत्री परिवार की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें कोई जाति नहीं है। इस गायत्री परिवार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये लोगों के मनों को बदलने की बात करता है, संस्कारों को बदलने की बात करता है। आज से 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने प्रयास किया था और एक घोषणा की थी कि आज से 100 वर्ष के अंदर एक क्रांति होगी, और उस क्रांति में सारी वर्ग के व्यक्ति जुड़ेंगे और प्रतिकूलताएं समाप्त होंगी, ये भारत 72 राष्ट्र बनेगा, 72 भारत बनेगा, और फिर से इस भारत का गौरव सारे विश्व में जागेगा। एक गुलाम देश के माध्यम से एक महापुरुष के द्वारा, योद्धा सन्यासी के द्वारा की गई भविष्यवाणी अब 100 साल बाद सार्थक होने जा रही है, जब हम सारे विश्व में गायत्री परिवार को उठता हुआ देखते हैं, जगता हुआ देखते हैं, और लोगों के जीवन में संस्कारों को फलित होता देखते हैं। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण के माध्यम से ये मिशन बढ़ता चला जा रहा है। हमारे यहाँ क्रांतिकारी एक प्रकार का विश्वविद्यालय है, हमारे यहाँ क्रांतिकारी एक प्रकार की ऐसी संरचना है जहाँ नर मानव ढाले जाते हैं, और गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के 60 एकड़ के परिसर में आकर के देखें कि किस प्रकार से नर मानवों को, नर रत्नों को ढालने की प्रक्रिया चल रही है। जब आप आके देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में आशा का केंद्र बिंदु एक संगठन खड़ा है, जो किसी जाति की बात नहीं करता, जो किसी धर्म की बात नहीं करता, जो किसी राजनीति की बात नहीं करता, जो आदमी के जीवन को बदलने की बात करता है। व्यक्ति निर्माण ही सबसे बड़ी धुरी है इस मिशन की, और व्यक्ति निर्माण से ही समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण होगा, ऐसी हमारी संकल्पना है। मैं इससे बहुत ही प्रभावित हूँ, और मुझे बड़ी खुशी है कि इस प्राचीन नगरी प्रज्योतिषपुर में उनका आगमन हुआ है, और वहाँ वो एक केंद्र खोलेंगे, और जो महान काम विश्व स्तर पर वो कर रहे हैं उसका लाभ हम लोगों को भी होगा। वासंती वेश में गायत्री परिजन जागृत चेतना के प्रकाशमान स्फुलिंगों के रूप में देश विदेश में क्या कुछ कर रहे हैं, आइए उनके समाचार सुनते हैं अगले स्तंभ जागृति के अग्निकण में। नमस्कार, गायत्री परिवार के समाचारों में आपका स्वागत है। गायत्री परिवार के एक महत्वपूर्ण और बहुउद्देशीय केंद्र की स्थापना नोएडा के जिला गौतम बुद्ध नगर में हो रही है।
गायत्री चेतना केंद्र के नाम से निर्माणाधीन यह केंद्र राजधानी क्षेत्र के परिजनों की श्रद्धा, सक्रियता एवं सहयोग का अनुपम प्रतीक होगा, जो मत्स्यावतार की तरह बढ़ते मिशन को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। इस केंद्र में एक गायत्री महाशक्ति का मंदिर भी स्थापित किया जाएगा, जहां समाज के सभी वर्गों के लोग साधना, जप, अनुष्ठान इत्यादि संपन्न कर सकेंगे। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखा युग साहित्य भी इस केंद्र में उपलब्ध हो सकेगा। यहां 3 ऑडिटोरियम बनाए जाने की भी योजना है, जहां राजधानी क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों को रचनात्मक सोच, प्रबंधन व्यवस्था आदि का शिक्षण देने के लिए नियमित सेमिनारें तथा वर्कशॉप चलाई जाएंगी। इस केंद्र के निर्माण के संदर्भ में 24 मार्च को नोएडा के सेक्टर 12 में निर्माणाधीन गायत्री चेतना केंद्र के पास बारात घर में दिल्ली तथा आसपास के लगभग 600 कर्मठ परिजनों ने भाग लिया। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी एवं श्री गौरीशंकर शर्मा जी ने इस गोष्ठी को संबोधित किया। प्राकृतिक आपदाओं एवं अप्रत्याशित दुर्घटनाओं से निपटने हेतु शांति कुंज ने आपदा प्रबंधन वाहिनी का गठन किया है। इसके अंतर्गत देश भर के नागरिकों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, परिवहन तथा मालवाहक वाहनों का प्रयोग भी किया जाएगा। 8 अप्रैल को शांति कुंज में इन वाहनों का विधिवत पूजन हुआ। आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत भी इन्हीं वाहनों को प्रयोग में लाया जाएगा। उत्तरांचल के जनपद पिथौरागढ़ में भारत का अंतिम कस्बा मुनस्यारी स्थित है, जहां पर गायत्री चेतना केंद्र एवं स्वावलंबन केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य की प्रगति का मुआयना करने हेतु श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी के नेतृत्व में एक दल शांति कुंज से मुनस्यारी पहुंचा। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस कस्बे में लगभग 3,080 वर्ग मीटर की भूमि पर गायत्री चेतना केंद्र के अंतर्गत गायत्री मंदिर, यज्ञशाला एवं एक ध्यान योग केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। पर्वतीय क्षेत्र में स्वावलंबन को गति देने हेतु कुटीर उद्योगों के विकास के साथ साथ जल विद्युत योजना पर भी शीघ्र ही कार्य प्रारंभ किए जाने की योजना है। 10 फरवरी को झारखंड गिरिडीह जिले के राजधनवार में एक भव्य रैली निकाली गई। एक जीप पर सुसज्जित गोमाता के कटआउट के साथ निकाली गई इस उत्साहवर्धक रैली में व्यसन, विवाहों एवं श्राद्ध परंपराओं में फिजूल खर्ची को रोकने तथा गो संवर्धन की आवश्यकता के प्रति समाज का ध्यान आकर्षित किया गया। राजधनवार क्षेत्र में पहले ही गोमूत्र द्वारा दंत मंजन एवं कई प्रकार की दवाइयां बनाकर लोगों को लाभ पहुँचाया जा रहा है। गायत्री परिवार से जुड़े अधिकांश परिजन ऐसे हैं जो ग्रीष्मावकाश में ही शांति कुंज आ पाते हैं। इस वर्ष 5 दिवसीय तीर्थ सेवन सत्रों की श्रृंखला स्थगित रहेगी एवं वर्तमान के 9 दिवसीय संजीवनी साधना सत्र ग्रीष्मावकाश में भी जारी रहेंगे। इच्छुक परिजन प्रत्येक माह की 1-9, 11-19 एवं 21-29 तारीखों के बीच शांति कुंज में पूर्व स्वीकृति लेकर पधार सकते हैं एवं 9 दिवसीय अनुष्ठान सहित जीवन प्रशिक्षण सत्रों का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। बैतूल जिले के मुलताई गायत्री शक्तिपीठ पर 30 जनवरी से 5 फरवरी की तारीखों के बीच स्वास्थ्य विभाग की सहायता से कुष्ठ कुंठा निवारण शिविर का आयोजन किया गया। गायत्री परिवार के परिजनों ने इस अवसर पर शिविर में उपस्थित 85 कुष्ठ पीड़ितों की मर्मस्पर्शी सेवा कर सारे समाज को द्रवित कर दिया। गायत्री परिवार के परिजनों ने पीड़ितों के लिए जो स्नेह और सहकार दर्शाया, वह औषधीय उपचार से कहीं अधिक कारगर एवं अविस्मरणीय सिद्ध हुआ। इस अवसर पर गायत्री परिवार की ओर से कुष्ठ पीड़ितों के लिए जल तेल सेवा हेतु प्लास्टिक के टब, तांबे के कलश, पंचदेव चित्र, चालीसा, वस्त्र आदि प्रदान किए गए। सभी ने पीड़ितों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए सामूहिक प्रार्थनाएं की। इस प्रकार के शिविर आयोजन के लिए सभी ने गायत्री परिवार को साधुवाद दिया। महाकाल की सूक्ष्म चेतना जन जन को सद्भाव और सत्कर्म अपनाने की प्रेरणा दे रही है। ऐसा ही एक संदेश नेपाल के महाराजगंज में गूंजा, जब वहां विपरीत परिस्थितियों के बीच 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं संस्कार महोत्सव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यज्ञ स्थल आतंकियों की सूचना का प्रमुख केंद्र था। न जाने वहां के परिजनों को किस अविज्ञात शक्ति ने प्रेरित किया कि उन्होंने 22 से 24 फरवरी की तारीखों में आयोजन निश्चित कर डाला। 13 फरवरी को कार्यक्रम स्थल के भूमि पूजन के साथ अखंड जप प्रारंभ कर दिया गया।
यज्ञ की तारीखों में उपद्रवियों ने नेपाल बंद का आह्वान किया। सब और एक तरह से अघोषित कर्फ्यू का सा माहौल बन गया, जिसमें कलश यात्रा की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। किंतु अगले ही दिन ध्यान, व्यायाम, यज्ञ, संस्कार आदि प्रज्ञा पुराण के कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुए। 6 पारी यज्ञ चला, लगभग 700 देव स्थापनाएं हुई एवं सायंकाल में युग ऋषि का संदेश सुनने 5000 से अधिक लोग उपस्थित थे। शांति कुंज के श्री शांतिलाल पटेल एवं श्री कामेश्वर जी की टोली लेस्टर यूके पहुंच गई है। यह टोली वहां स्थित गायत्री चेतना केंद्र की गतिविधियों का संचालन करेगी। विगत माह से शांति कुंज के ही प्रतिनिधि श्री गणेश साहू एवं श्री जमुना लाल साहू के नेतृत्व में इस केंद्र की गतिविधियों का संचालन हो रहा है, जिसके माध्यम से इसकी लोकप्रियता एवं सक्रियता में असाधारण वृद्धि हुई है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरिद्वार के भवन निर्माण के अवसर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉ. प्रणव पांड्या जी ने शिलान्यास संपन्न किया। इस अवसर पर उन्होंने वृक्षारोपण भी किया। श्रद्धेय डॉ. प्रणव पांड्या जी ने इस अवसर पर अपना उद्बोधन देते हुए कहा, मंदिर तो ढेर सारे हैं, मंदिरों में काम करने वाले कंस्ट्रक्टिव वर्कर्स नहीं है। हमारे गुरुदेव ने सबसे पहले आदमी बनाया और आदमी बनाने के बाद मिशन खड़ा किया, तब जाके इतना बड़ा संगठन खड़ा हुआ जिसका नाम गायत्री परिवार है। इसलिए हम अभी से उन आदमियों का संकलन चालू कर दें जो एक्टिव वर्कर होंगे और एक्टिव वर्कर के नाते यहाँ पर सेवाएं देंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मिलकर पूरे जिले में इस अवसर पर स्वास्थ्य मेला आयोजित करने की योजना भी बनाई। और इसी के साथ गायत्री परिवार की गतिविधियों के समाचार समाप्त हुए। रामचरितमानस में आता है, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। भगवान राम तुलसीदास को चंदन लगाते थे और भगवान कृष्ण सूरदास के साथ लाठी पकड़कर साथ साथ चला करते थे और उन्हें रास्ता दिखाते थे। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, ये आपके साथ भी हो सकता है। भगवान की प्रसन्नता पूजा प्रसादी और चढ़ौती में नहीं, उनके कार्य को आगे बढ़ाने में निहित है। जो अवतारी सत्ता के कार्य में स्वयं को नियोजित करते हैं, उनका वे सदा सर्वदा ध्यान रखते हैं और कष्ट कठिनाइयों में उन्हें संरक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के संदर्भ में भी कुछ इसी तरह का संस्मरण प्रस्तुत है सुरभित स्मृतियों में। घटना वर्ष 1965 की है। मेरा पोस्टिंग जिला टेहरी गढ़वाल में था। होम्योपैथिक डिस्पेंसरी पर मेडिकल अफसर था। वहाँ से घर वापस आने के लिए आ रहे थे ऋषिकेश में, जयपुर वालों की धर्मशाला में मेरी पत्नी, मैं और मेरी 3 वर्ष की बच्ची एक कमरे में सोए हुए थे। कमरे में लकड़ी की कड़ी पड़ी हुई थी, सो रहे थे। अचानक स्वप्न में देखा आचार्य जी कह रहे हैं, उठो जल्दी से बाहर चलो। आँख खुल गई, देखा एक नाग 2-3 फीट का होता मेरे सामान के ऊपर से उतरता हुआ नीचे के लिए आ रहा है। मैं समझ गया, जल्दी से अपनी पत्नी को बच्ची को उठा के बाहर भागा। आंगन में जैसे ही आया वैसे ही छत गिर गई। धर्मशाला में कोहराम मच गया कि डॉक्टर भारद्वाज दब गए, उनके बच्चे भी दब गए। मैं बाहर खड़ा था, मैंने कहा भाई मैं बाहर आ गया हूँ, मैं नहीं दबाऊँ, मेरा सामान जरूर अंदर दब गया है। मैं समझ गया कि आचार्य जी ने आके हमें यहाँ से जगाया और हमें बाहर निकाला, उन्होंने हमारी रक्षा की। वास्तव में जैसा वो कहते थे कि मैं तुम्हारी हमेशा साथ रहता हूँ, वो बात सत्य प्रतीत हुई। मैं घर आया, घर आने के बाद मथुरा गया, आचार्य जी से मिला और वहाँ जाके घटना बताई। हंसने लगे और कहने लगे, बेटा मैं तो तुमसे कहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। रात को सो रहे थे, आचार्य जी कह रहे हैं कि बेटा अजमेर से रुखसाना नाम की मरीज आ रही है, तुम उसको ये दवा देना, इससे ठीक होगी। सब जगह से निराश होकर लौटिए। हम डिस्पेंसरी पे बैठे हुए थे, 7 बजे का समय था। 2-3 लोग एक स्त्री को लेकर गोद में लेकर आए और डिस्पेंसरी में आकर बेंच में लेटा दिया। अपने कागजात दिखाने लगे, बताने लगे कि हम दिल्ली से लौटे हैं, अजमेर के रहने वाले हैं।
सब डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इनकी किडनी फेल हो गई है, ये अब ठीक नहीं हो सकती, ये कम से कम एक महीने से नहीं सोई हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ दे देकर सुलाते हैं, नींद फिर भी नहीं आती है, अब आप कोई उपचार करिए। समझ में आ गई बात, कंपाउंडर से कहा भी पर्चा बनाओ इनका, बोला कि हम अजमेर के रहने वाले हैं, इनका नाम रुखसाना है। बात समझ में आ गई, लोग वहाँ और बैठे थे, बोले डॉक्टर साहब आप इस मरीज का इलाज मत करिए, ये नहीं ठीक होगा, सब जगह से लौट कर आया है, हमें तो गुरुदेव पहले ही बता चुके थे इसको ये दवा देनी है। दवा शुरू कर दी गई, दूसरे दिन लोगों ने आके बताया कि आज रात को सोई हैं और जो कभी चल नहीं सकती थी वो अब आंगन में घूम रही हैं। अगस्त 1973 में प्राण प्रत्यावर्तन में आए हुए थे, आचार्य जी के पास बैठे थे, आचार्य जी ने कहा बेटा कुछ विशेष साधना करो। मैंने साहब क्या करें बताइए, बोले सवा लक्ष का अनुष्ठान कर लो, 40 दिन तक सिले हुए वस्त्र मत पहनना, 40 दिन तक अन्न मत खाना, केवल दूध और फल लेना, 40 दिन तक किसी को देखना मत, 40 दिन तक तुम्हें कोई नहीं देखेगा, 40 दिन तक मौन रखोगे। मैंने कहा गुरुदेव दवाखाने पर मरीज आएंगे, उन्हें मैं कैसे देखूंगा, क्या होगा। ये घटना बिस्वा सीतापुर की है, मैं सीतापुर आ गया था तब की घटना है। गुरुदेव ने कहा कि तुम साधना करो, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। कुछ आवश्यक उन्होंने निर्देश दिए, उन निर्देश के अनुसार मैंने वो साधना बिस्वा में आकर शुरू कर दी। 5-7 दिन साधना चलने के बाद बिस्वा में नगर पालिका के चेयरमैन श्री कल्याण कुमार चक्रवर्ती की माँ बीमार हो गई, वो हमेशा इलाज मेरा ही कराती थी, उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि डॉक्टर भारद्वाज को बुला के लाओ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। कल्याण कुमार जी डिस्पेंसरी पर आए, कंपाउंडर से पूछा कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं, कंपाउंडर ने बताया कि डॉक्टर साहब तो नहीं मिल पाएंगे, वो साधना में हैं, उनके गुरुदेव ने उनको साधना बताई है, 40 दिन की साधना है, 40 दिन बाद मिलेंगे। वो कहने लगे मेरी माँ की दवा कैसी जाएगी, क्या होगा। बोला आप हमें हाल बता दीजिए, हम दवा दे देंगे। वो दवा बोले हम नहीं लेंगे, हम तो डॉक्टर साहब को ही दिखाएंगे। बोले डॉक्टर साहब तो मिल नहीं पाएंगे। वो अपने घर चले गए, अपनी माँ से जाके कहा कि यहाँ और भी बहुत से डॉक्टर हैं, किसी और डॉक्टर को बुला लाते हैं, दिखा देंगे, डॉक्टर भारद्वाज तो उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, वो साधना में लगे हुए हैं, 40 दिन के बाद मिलेंगे, 40 दिन तक उनकी साधना चल रही है। उनकी माँ बोली बेटा झूठ क्यों बोलता है, डॉक्टर भारद्वाज अभी आए थे, मुझे देख गए हैं और एक पुड़िया दवा की खिला गए हैं, 3 पुड़िया मेरी तकिया के नीचे रखी हुई हैं, देख ले। कल्याण कुमार चक्रवर्ती दौड़ते हुए डिस्पेंसरी पर आए और कंपाउंडर से बोले तो हम तो झूठ बोल कर बहका दिया, डॉक्टर साहब हमारे घर गए थे, हमारी माँ को देख कर चले आए हैं, दवा भी दे आए हैं। कंपाउंडर बोला मैं तो यही बैठा हुआ हूँ, डॉक्टर साहब निकले ही नहीं है बाहर। जब अनुष्ठान समाप्त हुआ, शांत कुंज आया, गुरुदेव को बताया, हंसने लगे, मैंने तो कहा था कि तू अपना काम कर, डिस्पेंसरी में देखूंगा। उस महीने में डिस्पेंसरी पर सबसे अधिक मरीज आए और सभी ठीक हुए। तो ये सब क्या कहें इसको, इस रहस्य को समझ में नहीं आता, बस यही समझ में आता है कि पूज्य गुरुदेव साक्षात ईश्वर थे। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर रही सो तस्फल चाखा। कर्म फल का सिद्धांत अटूट और अचूक है। इस संदर्भ में प्रश्न और उनके जवाब प्रस्तुत हैं हमारे अगले स्तंभ जिज्ञासा में। आज हमारे साथ स्टूडियो में गायत्री तीर्थ शांति कुंज के प्रतिनिधि श्री सूरज प्रसाद शुक्ला जी उपस्थित हैं। शुक्ला जी आपका स्टूडियो में स्वागत है। आप लंबे समय से आचार्य जी के विचारों से जुड़े रहे, उनके विचारों को फैलाने के लिए देश विदेश भी गए हैं। हम आपसे एक प्रश्न करना चाहेंगे, जो आमतौर पर देखा जाता है सामान्य जीवन में जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनके जीवन में दुख कष्ट भी रहता है, और जो कहीं सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं, ऐसा क्यों होता है। वास्तव में ये संसार बड़ा विचित्रताओं से भरा हुआ है, इसमें जितना जो जैसा दिखाई देता है
उतना ही संसार नहीं, इसके पीछे भी एक बड़ा व्यापक संसार है। हमारे ऋषियों ने उसे बड़े अच्छे ढंग से समझा, अनुभव किया और उसकी व्याख्याएं की हैं। उन्होंने कहा अनेकों सिद्धांत इसमें काम करते हैं, उसमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है बो और काटो का सिद्धांत। ऐसा कभी नहीं देखा गया कि बीज हम कुछ भी बोएं और फल कोई दूसरा मिले, ऐसा नहीं। जो बीज बोएंगे वही फल मिलता है। इसी को जीवन के साथ जोड़कर उन्होंने कर्मफल का सिद्धांत कहा है। मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसको अनिवार्य रूप से भोगना पड़ता है। ऐसा देखने में आता है कि शरीर से व्यक्ति स्वस्थ है और मानसिक दृष्टि से पता नहीं वो कैसा हो। शरीर से अच्छे काम कर रहा है लेकिन मन से उसका चिंतन गड़बड़ाया हुआ है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष है। और इसका उल्टा भी देखा गया है कि व्यक्ति मन से बिल्कुल अंदर से बहुत ही अच्छा है, उसके चिंतन और विचार अच्छे हैं लेकिन दिनचर्या गड़बड़ है, खान पान बिगड़ा हुआ। वो अगर मान लिया कोई नशे की चीज़ खाएगा तो उसको तुरंत नशे का असर तो होगा। अगर उसने कोई ऐसा विजातीय तत्व शरीर के अंदर प्रवेश करा दिया भोजन के माध्यम से तो जहरीला प्रभाव तो तुरंत दिखाई देगा उसके शरीर के अंदर। इसको हमारे ऋषियों ने दो हिस्सों में बांटा है, दैहिक और दैविक। शरीर से हम कभी कोई काम करते हैं तो उसका फल तुरंत मिल जाता है। कोई हम किसी को हम कुछ करें, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार करें, शरीर से किसी को चोट पहुंचाएं तो तुरंत उसका फल, सामने वाला तुरंत नाराज होगा और उसका फल देगा। मन से हम कभी बुरे काम करते हैं, ईर्ष्या और द्वेष करते हैं तो उसका बहुत दिनों तक उसका बाद में प्रभाव पड़ता है, बाद में फल मिलता है। कुछ ऐसे कर्म होते हैं तुरंत फल देते हैं, कुछ ऐसे कर्म होते हैं बहुत दिनों बाद फल देते हैं। यही बात बीज में भी लागू होती है। बहुत सारे ऐसे बीज होते हैं कम समय में फल दे देते हैं, बहुत सारे ऐसे बीज होते हैं जो वर्षों बाद फल देते हैं। कर्म फल के सिद्धांत के साथ में कुछ ऐसा ही जुड़ा हुआ। बहुत सही कहा शुक्ला जी आपने। इसी बात को हम आगे जारी रखते हुए यह जानना चाहेंगे कि कभी किसी परिवार में कोई बालक अंगभंग पैदा होता है या जन्मजात किसी रोग से ग्रसित होकर के आता है या किसी के आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां भिन्न होती हैं, ऐसा क्यों होता है? हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरुदेव ने भी पुस्तकों में लिखा है, कर्मफल को उन्होंने तीन हिस्सों में बांटा है। पहला है संचित, दूसरा है प्रारब्ध और तीसरा क्रियमाण। संचित कर्म उनको कहा है जैसे आदमी मजबूर में आके अनचाहे परिस्थितियों में बंद करके ना चाहते हुए जब कोई ऐसे गलत काम करता है तो उसका दुष्परिणाम तो उसको मिलना ही है, लेकिन वो कर्मफल बड़ा अल्प प्राण होता है, उसमें ज़्यादा बल नहीं होता और ऐसे संचित पड़े रहते हैं। प्रतिकूलताएं अगर रहेंगी तो कभी वो उभर नहीं पाएंगे, अनुकूलता पा करके वो फल दुष्परिणाम दे भी देते हैं। लेकिन प्रारब्ध जो कहा गया है इसको ऋषियों ने कहा कि इसमें पूरे मनोयोग के साथ में, पूरे शरीर मन और सब को जानबूझ करके पूरे प्रयास के साथ में किया गया कोई बुरा कार्य, ऐसे कर्म का फल तो बड़ा ज़बरदस्त मिलता है और बहुत दुष्परिणाम देने वाला होता है। और भले ही इसमें समय अधिक लगे, समय की सीमा तो बड़ी लंबी है, एक जन्म से अनेक जन्मों तक हमारे जीवन की यात्रा है, ऋषियों ने कहा है। कर्मफल का भी सिद्धांत जन्म जन्मांतरों तक काम करता है। तो जो बच्चे अपंग पैदा होते हैं या जन्म के साथ ही रोगग्रस्त हो जाते हैं, ऋषियों ने निश्चित ही कहा है कि ये निश्चित ही इनके पूर्व जन्मों का कर्म का फल है। जन्म के पहले से निश्चित ही इस आत्मा ने जिस शरीर में रह करके और जो भी काम किए होंगे, निश्चित ही उसने शरीर के अंगों का दुरुपयोग किया होगा। अगर किसी अंग का दुरुपयोग किया जाएगा तो निश्चित ही अंतर मन में एक जो संस्कार पड़ जाता है, जन्म के बाद भी वो अंग निश्चित ही प्रभावित हो जाता है। और ऐसी परिस्थितियों में बालक पैदा होते हैं, देखने में लगता है कि बड़ी कठिन परिस्थितियाँ उसके जीवन के लिए, तो निश्चित ही इसके पीछे इसके पूर्व जन्म का अपना कर्मफल है। पूर्व जन्म में उसने अपने जीवन की संपदा का, अपने साधनों का दुरुपयोग किया होगा, वर्तमान समय में उसको अभावग्रस्त जीवन जीना पड़ रहा है, रोगग्रस्त जीवन जीना पड़ रहा है। बालक के साथ में माता पिता का भी कर्मफल जुड़ा हुआ है। जब प्रारब्ध के कर्मफल में हमारे ऋषियों ने यह बताया है कि अंतर्मन में जब कोई एक संस्कार पड़ जाता है बुरे कर्म का और उसके फल का, तो फिर अंतर्मन योजना बनाता रहता है, वो अंदर ही अंदर ताना बाना बुनता रहता है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हों कि जो कर्म किया गया उसके दुष्परिणाम की परिस्थिति आए। शरीर में कोई विजातीय तत्व चला जाता है तो शरीर अवसर ढूंढता है कि उस विजातीय तत्व को कितनी जल्दी बाहर निकाले। ठीक इसी तरह जीवन में अगर कोई बुरा कर्म हो गया है तो आत्मा अपना परिष्कार करना चाहती है। आत्मा तो अंततः सुख स्वरूप, दुख तो उसका एक आवरण है, एक गलत कर्म का परिणाम है, इसलिए उसको दुख भोगना पड़ा, वैसे तो सुख स्वरूप है। तो आत्मा प्रयास करती रहती है, अंतर्मन उसका ताना बाना बनता है। और जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, किसी व्यक्ति ने गलत काम किए, किसी ने किसी को छल कपट से, दुर्व्यवहार से किसी को शोकग्रस्त किया, तो अगले जन्म में उसको भी पुत्र शोक का सामना करना पड़ता है। अब वो ताना माना बुनती है परिस्थितियां कि ऐसे बालक का जन्म उस परिवार में हो, बालक अपना कर्मफल भोगता है और माता पिता अपना कर्मफल भोगते हैं, दोनों का योग बन जाता है। तो ऐसी घटनाएं प्राय देखने को मिलती हैं। एक जिज्ञासा और है हमारे मन में, आजकल प्राय ऐसी आपदाएं देखी जा रही हैं
जैसे भूकंप, महामारी, आतंक, महायुद्ध, निश्चित तौर से इसमें हर तरीके के लोग पिसे जाते हैं, जो बहुत ईमानदार नैस्टिक अच्छे लोग हैं और जो बुरे कर्म करने वाले भी, अर्थात सारा का सारा समाज उसमें बुरी तरीके से प्रभावित होता है। तो ऐसी आपदाओं के आने का क्या कारण है, क्यों ऐसी आपदाएं जन्म लेती हैं? जैसा व्यक्तिगत रूप में अपने कर्म के फल की बात है, ऐसे कुछ सामूहिक कर्म भी होते हैं जो सार्वजनिक जीवन से हम जुड़े हुए हैं। संसार की जीवात्मा तो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सारा संसार जुड़ा हुआ है। जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है और सामने वाला व्यक्ति भी उससे जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। हमारे ऋषियों ने ये कहा है कि गलत काम करने वाला उतना ही दोषी है जितना गलत काम होते हुए देखने वाला। हम देख रहे हैं हमारे सामने किसी को सताया जा रहा है, किसी को पीड़ित किया जा रहा है, तो हमारा कर्तव्य बनता है मनुष्यता के नाते कि हम उसके साथ हस्तक्षेप करें, और अगर हम नहीं करते तो एक सामाजिक दोष हमारे ऊपर लागू होता है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जो सार्वजनिक रूप से हम उसके सबके सब दोषी होते हैं। तो ऐसी आपदाओं में देखने में तो लगता है कि सार्वजनिक रूप से कोई कष्ट आया तो जिस व्यक्ति ने गलत किया उसको तो मिलना चाहिए, लेकिन जिसने कोई दोष नहीं है, बहुत ईमानदार आदमी, उसको क्यों भोगना पड़ रहा है? तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं उसने किसी न किसी रूप में सार्वजनिक मर्यादाओं का अवहेलना की। पर्यावरण के दृष्टि से देखते हैं, अगर हम आज के समय का एक प्रश्न है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता आम आदमी में नहीं है। अपने घर को हमने व्यवस्थित कर लिया, अपने घर को साफ सुथरा कर लिया और घर की गंदगी, पॉलीथीन और ये सब भर करके हमने बाहर डाल दी सड़क में, इससे जो वातावरण दूषित हुआ, पर्यावरण दूषित हुआ, उसका दोष तो हमारे ऊपर आएगा ही। हमने अपने निजी जीवन में तो बड़ा अच्छा जीवन साफ सुथरा कर लिया। बहुत सारे ऐसे प्रकृति के प्रकोप आते हैं जिनको सार्वजनिक रूप से झेलना पड़ता है, तो निश्चित ही हमारे आम आदमी के मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता नहीं। अगर आम आदमी जागरूक हो जाए पर्यावरण के प्रति, वृक्षों को पोषण देने के प्रति, वातावरण को दूषित करने से रोकने के प्रति, तो ऐसी प्राकृतिक विपदाएं से हम बच सकते हैं। अंत में एक प्रश्न और आपसे शुक्ला जी, ये कर्म की गति बड़ी गहन है, कहते हैं गहना कर्मणो गति। ऐसे में बहुत सारे समाधान अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से भी दिए होंगे। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि व्यवहारिक रूप से कोई इंसान आम जीवन में क्या करे जिसको करके वह अपने जीवन को सुख शांतिमय बना सके। हमारे गुरुदेव ने जीवन की व्याख्या करते हुए कहा है कि इस जीवन में विचारों का ही ताना बाना है, उसकी मुख्य भूमिका विचारों की है। मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः, ऐसा भगवान कृष्ण ने भी कहा है। हम अगर अपने विचारों को संभाल लें, विचारों को यदि सकारात्मक बना लें, तो निश्चित ही प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम शानदार जीवन जी सकते हैं, और ऐसे उदाहरण भी देखने को अनेकों मिलते हैं समाज में। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक बना लें, अपने चिंतन को परिष्कृत कर लें, सही कर लें, तो निश्चित ही हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता पा सकते हैं। दुख तो एक दुख और सुख तो संसार के प्रवाह में आते ही सबके साथ हैं, कोई ऐसे इनसे बच नहीं सका, मनुष्य के जीवन में भी आते हैं। लेकिन अगर हम दुख को तप मानते हुए और सकारात्मक विचारों से और आत्मबल के सहारे उसको हम बड़े अच्छे ढंग से उसको समय को पार कर सकते हैं। ये तो जीवन का परिष्कार हो रहा, आत्मा का परिष्कार हो रहा। ठीक यही बात सुख में भी आती है। सुख की परिस्थितियों में अगर हम योग की दृष्टि से और उसके मतवाले न हों, मौज मस्ती के उसमें ना आए और उसको योग मान करके और उसको हम गुजारे समय को, तो निश्चित उसके आने वाले समय में उसके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हमारे गुरुदेव ने यही कहा है। तब अगर हम दुख की परिस्थितियों को तप की मनोभूमि में बिताएं और सुख की परिस्थितियों को योग की मनोभूमि में बिताएं, तो निश्चित ही हम कठिन परिस्थितियों में और अच्छी परिस्थितियों में संतुलित जीवन जी सकते हैं। दुख और सुख तो एक प्रवाह है जीवन का, वो तो आता ही रहता है, लेकिन अगर हम चिंतन की दृष्टि से और आत्मबल की दृष्टि से मजबूत हैं तो विचलित नहीं होंगे। योग और तप के साथ हम शानदार जीवन जी सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने अनेकों पुस्तकें लिखी हैं विभिन्न विषयों पर, इस विषय पर भी उनकी एक पुस्तक है गहना कर्मणोगति, उसको पढ़ करके हम विस्तार से जानकारी पा सकते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में यह संसार रहस्यों से भरा पड़ा है, इसमें कर्म की गति सबसे रहस्यपूर्ण है। ऋषि मुनियों ने गहन चिंतन मंथन कर एक तथ्य को स्वीकार किया कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। हमें आज जैसी भी परिस्थितियों में जीना पड़ रहा है, यह हमारे पुरुषार्थ एवं मन स्थिति का ही परिणाम है, इसमें कोई संदेह नहीं। तन स्वस्थ हो तो मन प्रसन्न रहता है, मन प्रसन्न हो तो तन स्वस्थ रहता है, और यदि तन और मन दोनों प्रसन्न और स्वस्थ हों तो ही जीवन सुखी होता है। इसके लिए उचित आहार विहार और श्रेष्ठ आचार विचार जरूरी है। ऋषियों द्वारा प्रणीत आयुर्वेद विज्ञान अपने आप में ये समस्त जानकारियां संजोए हुए है। यह संसार का न केवल प्राचीनतम चिकित्सा विज्ञान है, वरन जीवन का भी विज्ञान है। आयुर्वेद के संदर्भ में
संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत है संस्कृति दर्शन में। प्रकृति से मनुष्य को अनेक अमूल्य वरदान मिले हैं, इनमें से एक है आयुर्वेद। भारतीय संस्कृति के आदि ग्रंथ वेदों में से अथर्व वेद में आयुर्वेद का प्रथम परिचय मिलता है। मंत्र द्रष्टा ऋषियों ने इस विद्या का गहन अनुसंधान करके आयुर्वेद को जन सामान्य के सामने एक संपूर्ण शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक उपचार पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया। काल प्रवाह में भारतीय संस्कृति पर अनेक प्रहार हुए, फलस्वरूप मानव समाज को एक सहज, सुलभ, सर्वांगीण चिकित्सा पद्धति से वंचित होना पड़ा। वर्तमान में ऋषियों की थाती इसी महान परंपरा के पुनरुद्धार हेतु दृढ़ संकल्पित अखिल विश्व गायत्री परिवार अपने केंद्र शांति कुंज हरिद्वार में विशेष शोध प्रयासों में संलग्न है। इसकी प्रयोगशाला ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान में इस समय लगभग 300 दुर्लभ जड़ी बूटियों पर शोध कार्य चल रहा है, साथ ही उनके संरक्षण के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस शोध संस्थान ने सफल प्रयोग करके यह प्रमाणित किया है कि चुनी हुई औषधियों का मानव शरीर के विभिन्न अंगों व प्रणालियों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। जड़ी बूटियों से 80% के लगभग रोगों का उपचार सहज ही संभव है। सही जड़ी बूटियाँ उपयुक्त क्षेत्र से उपयुक्त मौसम में एकत्र की जाएं, उन्हें सही ढंग से रखा और प्रयुक्त किया जाए तो आज भी उनका चमत्कारिक प्रभाव देखा जा सकता है।